तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नोनी के लिए ना पराठे बना के रख दिए ऐसे ट्रायंगल, उनको बेल के फिर मैं सेक दूंगी। गौर से देखिए चेहरे को, स्कूल नहीं गया मैंने इसके लिए लंच वंच सब बना दिया था। लूडो का मैच तो फ्री टाइम में लोग यहाँ पे टाइम पास के लिए लूडो कैरम बोर्ड मेरे ब्लॉग में पहली बार पाई गई है काम करते हुए। सब्सक्राइबर है मेरे बॉम्बे से आए, बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली। बहुत खुशी हुई मुझे मैम से मिलने में। एवरीवन तो शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम का जो हाल है। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये देखिए धूप हमारे घर में यहाँ तक आई हुई, अंदर तक, उधर से लेकर यहाँ तक धूप आई हुई। तो मैं खड़ी हुई यहाँ पे धूप में और तैयारी कर रही हूँ नानी का नाश्ता बनाने की। नानी को जाना है स्कूल तो चले बनाती हूँ पराठे नानी के लिए, ट्राइंगल पराठे बनाती हूँ, सादे पराठे। तो मिलते हैं नाश्ता बनाते हैं। और मैंने ना तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नोनी के लिए ना पराठे बना के रख दिए ऐसे ट्रायंगल, उनको बेल के फिर मैं सेक दूंगी। तो इसको चाहिए होता है इसमें लाल मिर्च और चाहिए कसूरी मेथी जो कि मेरी हो चुकी है ख़त्म, और चाहिए होता नमक। बस ये 3 चीज़ें डाल के मैं इसको बना देती हूँ और इस तरह से वो करके रैप करके। तो चलिए सेकते हैं, इसके लिए आने ही वाला होगा ये भी। भाई गो टू वॉशरूम से नहीं निकला अभी तक, दिमाग तो नहीं तेरा खराब हुआ है? 8:15 बज गए, निकल गया फटाफट, स्कूल तो जाके रहेगा याद रखना तू। तो फ्रेंड्स ये लड़का ना अभी तक निकला नहीं बाहर, गुस्सा हुआ वॉशरूम में, पता नहीं 8:15 आज बज के 17 मिनट हो चुके हैं। और मौसम देखिए बहुत अच्छा बना, मेरे शीशे इतने गंदे हो रहे, नहीं शीशे साफ करने के हो रहे पूरे। तो देखिए बहुत अच्छी धूप लगी हुई आज मस्त वाली। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स गौर से देखिए चेहरे को, स्कूल नहीं गया मैंने इसके लिए लंच वंच सब बना दिया था और बाथरूम में घुस गया 1 घंटे तक। जब भी बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाते उसका मतलब होता है स्कूल नहीं जाना है। हाँ क्यों नहीं गया फिर? यहाँ बता वीडियो में बता, इसके दोस्त लोग नहीं गए इसलिए। हाँ मुझे पता रीजन देखो। हाँ। तो दोस्तों से ना इसकी पता नहीं आंतड़ियाँ जुड़ी हुई है इसकी, है ना? डरता है अकेले जाने का स्कूल। ऐसा है क्या? हाँ। इवन क्या बोला, डरता है? इसको डर लगता है अकेले स्कूल जाने में, इसको पीट लेंगे बच्चे। ये इतनी देर से बोला गैंगस्टर हूँ मैं, देखा डर गया ना तुम? हूँ ना मैं गैंगस्टर, बताओ अब बताओ मैं गैंगस्टर हूँ कि नहीं हूँ बताओ। इसी शक्ल दिखा दी है मुझे, क्यों माफ क्या आपका पैसा दे देगा? उठ स्कूल नहीं गया ना तू, स्कूल नहीं गया ना, हड्डी हड्डी उठ, चल चल उठ। अब कैमरा ऑफ करो, कैमरा मैं सुबह नाश्ता वास्ता बना के बैठी पागलों की तरह, तेरा कान दिखा गंदा कान, साफ है मेरा कान? कोई नहीं साफ है, और चप्पल भी ऐसे मुंह के आगे उतारी हुई देखना, साइड में नहीं उतार सकती चप्पल को, हम 3 ही प्राणी है यहाँ पे। सो जाएगा आप लोग, मैं सुनियो आंखें तेरी कंजड़ी आंखें, उठ उठ कह रही हूँ थंबनेल के लिए फोटो खींच ले जल्दी जल्दी उठ जल्दी उठ। कौन है यार मेरे को, मेरी माँ के गोद से कैसे उठा सकती हूँ? तेरी माँ की गोद से उठ, तो मैं तेरी माँ ही हूँ, उठ। मेरी माँ की गोद से कैसे उठा सकती हूँ मतलब क्या होता है? मैं उठा रही हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरे को उठा रही हूँ अपनी गोद से, चल उठ मेरी गोद से उठ, उठ ना। इसको देखना खा पी के ना सुबह सुबह से पड़ जाता है, ये देखो यहाँ इसकी शक्ल, उठ। तो फ्रेंड्स हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके, पीट करके क्यों बैठा हुआ है ऐसे चोरों उस चक्कू की तरह क्यों बैठा हुआ है? इधर मुड़, जंगल यहाँ देख ली, इधर देख ले, इधर को देख ले, जंगल नहीं है वहाँ पे कुछ भी, जंगल बोल दो मेरे पौधों को, जंगल बोला तू तो देख, इधर को मुड़ जा बस एक बार मुड़ जा प्लीज, फोटो लेनी है मुझे बस थंबनेल के लिए, एक ठीक से मुड़, ठीक से मुड़, हाँ देखो आप इधर को देखो मुड़ कह रही, ये ना मेरे को परेशान कर रहा है बड़ा, इवी को पढ़ना है वहाँ, इवी को डिस्टर्ब कर रहा है, इधर देख इधर मुड़ जा बोलो इसको, तेरा मुंह साफ है देख, जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से जोर से मारो, एक देख कह रही इधर कितनी जोर से चिल्लाई, में मेरे व्यूअर्स डर जाएंगे, ओए मुड़ नखे दिखा रहा है ना, जोर से ज्यादा है ना, ड्रामे इसके इतने होते ना, अब मुझे ना धक्का दे दे तू नजर को, ये गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन के आई थिंक 11:20 हो चुके हैं और मैं निकल चुकी थी घर से फटाफट से जल्दीबाजी में, देर हो गई थी आज फिर से, रोज रोज लेट हो जाती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल के पास, तो चले मिलते हैं फिर दुकान जाके। बहुत ही मस्त धूप लगी यार, बड़ी मज़ेदार धूप लगी है, मज़े वाली अच्छी सी धूप लगी हुई है, मगर जैकेट उठा के लाने का दिल नहीं करा था, मैं नहा के निकली थी तो मुझे ठंड लग रही थी ना, तो मैं जैकेट पहन के ही आ गई हूँ आज। और मैं पहन रही हूँ रोज़ आजकल टर्टल नेक्स, क्योंकि ठंड हो गई है ज़्यादा। तो चले मिलते हैं नीचे को जाके।
सस्पेंस में पहुंच चुकी हूँ स्टेट बैंक वाली रोड पे, और इस तरह का कुछ यहाँ पे अभी नज़ारा। सुबह के समय में गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई है काफ़ी, तो यहाँ की मैं हमेशा मतलब शूट कर ही देती हूँ, स्टेट बैंक का नज़ारा हमेशा दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे हरिकी स्टेट बैंक ये ऊपर को, और ये स्टेट बैंक वाली रोड जो है तो उसको स्टेट बैंक ही कह सकते हैं आप। यहाँ से आपको बाइक्स वगैरह मिल जाती है, टैक्सी बाइक्स वगैरह, और ये है नगर पालिका वाली बिल्डिंग जो कि मैंने फ्रेंड से भी दिखाई थी, काफ़ी सुंदर खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आज भी थोड़ी भीड़ कम कम ही दिख रही है आज, क्योंकि कल तो बहुत कम हो गई थी भीड़ अचानक से। तो कल लग रहा था शायद मैच है इसकी वजह से होगा, बट क्या है कि कल संडे था, संडे को भी भीड़ नहीं थी, तो आज तो फिर मंडे है तो भीड़ के होने की आशंका थोड़ी कम है। फिर भी चलिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ दिन भर की जानकारी के लिए, मौसम के हाल के लिए, और भीड़ भाड़ के लिए भी कि किस तरह की भीड़ होती है क्या होती है। तो ये देखिए पंत पार्क का नज़ारा इस समय, खाली खाली सही लग रहा है, और बोट्स दिख रही हैं काफ़ी, तो बोट स्टैंड की तरफ भी लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे, अगर भीड़ होती तो यहीं से भीड़ हो जाती है आगे तक को ना। तो देखिए खाली खाली सी लग रही बोट स्टैंड भी, और ये महिला एक दिख रही है मुझे सजी धजी पिंक कलर की ड्रेस में, और वो यॉट जा रही है वहाँ से। तो चलें हम लोग चलते हैं आगे को, मेरे को टाइम नहीं एक्चुअली लेक के पास जाने का, वरना वो तो काफ़ी अच्छा सा रास्ता लेक साइड को भी, मगर अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं, मैं हो गई हूँ लेट। और यहाँ पे देखिए काम है नहीं है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है लूडो का मैच, तो फ्री टाइम में लोग यहाँ पे टाइम पास के लिए लूडो कैरम बोर्ड वगैरह ये सब खेलते। तो देखिए मस्त लूडो खेल रहे हैं ये लोग, तो इस तरह का रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पता चल रहा है अभी कोई कामकाज कुछ खास है नहीं, तो लोग लूडो का आनंद ले रहे हैं और धूप सेक रहे हैं साथ में। तो धूप सेकते हुए साथ में लूडो खेलते हुए या कैरम खेलते हुए लोग विंटर्स में इस तरह के टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे मार्केट के पास पे, और यहीं पे फिर से दिख रहा है मुझे ये वाला जो भी होता है झालमुड़ी टाइप कुछ भी बनाता है ये बंदा। और ये यहाँ पे पार्किंग देख सकते हैं आप खाली खाली, और मेरे चश्मे पे बैठी एक मक्खी आके। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है रश, हल्के फुल्के से लोग नज़र आ रहे हैं साइड में ना। और वाहेगुरु जी, तो यहाँ पे है गुरुद्वारा साहिब, तो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। तो ये रहा यहाँ का रश मार्केट का, जय हो गया। और माता रानी का मंदिर जो कि मैं उस तरफ से भी दिखाती हूँ तो थोड़ी देर बाद, तो जय हो मैया जी। तो चले चलते हैं मार्केट की तरफ, तो किसी का सामान आ रखा है बहुत ज़्यादा, और मार्केट की साइड में लोग कम से कम दिख रहे हैं। तो भाभी का माल आया है यहाँ पे काफ़ी सारा। हेलो भाभी, भाभी आज काम करती हुई पाई गई है पहली बार। मेरे ब्लॉग में पहली बार पाई गई है काम करते हुए। और विजय आ गया चाय लेके, उठाओ प्लीज उठाओ, देखती हूँ कितनी ताकत है, उठाओ दिखाओ दिखाओ, उठा लो चलो, देखती हूँ देखती हूँ देखती हूँ। कौनजो कुछ बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए, नौ नहीं बोलते आज कौनजो को शूट करो आपको वायरल कर देंगे, आज कौनजो कुछ बोलता ही नहीं है। नो कमेंट्स क्यों, अभी पहले खोलने दो फिर आराम से बोलना। अच्छा मैं बाद में आती हूँ कैमरा लेके आती हूँ शूट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी दिख रहा है गुजराती ग्रुप यहाँ पे, तो बस यही लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, अच्छा देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 12 बजने में कुछ एक मिनट्स बाकी है, और मैं दुकान के अंदर देखिए जैकेट वैकेट पहन के ही बैठी हूँ, ठंड है अंदर में, बाहर धूप में अच्छा गर्म हो रहा है। तो मैं पता क्या कर रही हूँ, ये भाभी का जैकेट भाभी ने मेरी दुकान पे रखा हुआ है, इसके जो ये बटन्स है ना इनको काट रही हूँ मैं, इसको बोले बिना, वैसे बटन लटका के घूमती रहती हैं वो, तो मैंने से क्यों ना इसको काट के मैं बिना बटन का कर देती हूँ। तो टोपी में बटन है इनके, तो ये बटन जो थे फर के थे, उन्होंने फर हटा दिया, मेरा वाला सेम जैकेट है, तो फर हटा के खाली बटन बटन रखे हुए। तो चलिए हम इसके बटन काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। देखिए एक बटन मैंने काट दिया है, तो थोड़ा सा इसमें धागे का निशान दिख रहा है, ये सही हो जाएगा बाद में, मैं इनको काटती हूँ बाकी बटन्स जो इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे बटन्स मैंने निकाल दिए उसमें से, मैं भाभी को दे आती हूँ बटन, सरप्राइज़ करके आती हूँ भाभी को, तो एक्सप्रेशंस देखती हूँ क्या करती है ये। हेलो भाभी जैकेट में फालतू बटन लटका के घूम रहे, इतना वेट लेके घूम रहे थे, मैं सारा काट के निकाल, आप लगाना अपनी व्हाइट शर्ट में मुझे नीचे आया दे दो दे दो अपनी व्हाइट शर्ट में लगा देना, उन्होंने सही कर दिया ना, खाली बटन लटका के घूम रही, कब से बोलूँ काट दो काट दो काट नहीं दो, मैंने कंजन में रुक जैसे एक्टिव बटन काट आईंदा से तो संभाल के रखना सामान, मैं ऐसे कर देती हूँ काटूंगी, जैकेट जैकेट ना काट दूँ मैं, कहीं भी तो बटन ही काटे हैं मैंने तो संभल जाओ मुझसे हो गया सेटिंग हो गया सारा भेज दिया ना बस हो गया। फ्रेंड्स देखिए ये छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा को लात मारा गुस्से में, बाय गॉड इतना गुस्से में ना,
कह रहा मेरे को नई जैकेट पहननी है, नई जैकेट पहननी है। तो आज बड़े दिनों बाद रविंदर भाई मिले हमें, कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम बाद आज मुलाकात हुई आपसे, चलिए अच्छा लगा मिलके बहुत दिनों बाद। मौसम अच्छा हो रहा नैनीताल में। तो फ्रेंड्स मंदिर, माता रानी के मंदिर आई हूँ, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, थोड़ा सा चले लेके चलती हूँ अंदर को, फिर मिलते हैं। जय हो हनुमान जी, जय हो प्रभु। दर्शन कर लीजिए, जय हो भैया। तो लड़का खाना लेके आया है, स्कूल नहीं जाने के बदले हमने इसको काम पे लगाया खाना लेने के। और यहाँ भाभी देखो मुंह छुपा के बैठी, झपकी ले रही थी अभी, एक झपकी ली। हाँ तो नहीं जाता तो नहीं जाता तो बोलूंगी। और ये बंदी खुद झपकी ले रही थी, झपकी लेके उठ के बात कर रही सामने से, नहीं आ रही थी उस टाइम, रह गया थोड़ा सा, जैसे झपकी लिया मस्त वाला तड़क करके गिरने वाला झपकी जो थी। कैसे तुड़क, चल तो फ्रेंड्स ये देखिए जो गीला गीला दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा लगा कि पानी डाल रखा है, तो पूरी मार्केट में ये गीला हो रहा है। दिलीप कुमार जी हमारे, तो पूरी मार्केट में पूरा गीला गीला हो रहा है, लग रहा है कि पानी डाला, बट ये क्या है ना पानी नहीं, ये है पाला पड़ा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे पाला पड़ रखा है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप पाले के बारे में? पाले के बारे में जैसे पाला गिरता है बहुत सर्दी होती है, वही मैं कहना चाहूँगा, पाले से बचे, गर्म कपड़ा लेकर आए, सर में पाला ना पड़ने दें, नहीं लेके आया तो यहाँ से खरीदे, यही हम कहेंगे। शॉप नंबर 5 और 6, 5 और 6 में ये आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का हाल हो रहा, तो मजाक था ये, मजाक मस्ती कर रहे थे हम लोग, ये पाला पड़ा हुआ है बहुत भयंकर। और शाम के समय में पता है यहाँ पे इस तरह का मौसम हो जा रहा है, रोज कल भी दिखाया मैंने, परसों भी दिखाया, तो इस तरह का कोहरे वाला सा मौसम हो रहा है। और लोग तो कम ही है, कल से बहुत भीड़ कम हो गई है, तो आज बहुत कम ज़्यादा कम भीड़ भाड़ है। तो चले देखते हैं थोड़ी देर बाद, टाइम पता कितना हो रहा है, अभी 3:15 बज रहे हैं, टाइम बता देती हूँ आप लोगों को। काम करो ना, नहीं होगा तो सब्सक्राइबर है मेरे बॉम्बे से आए, बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली। बहुत खुशी हुई मुझे मैम से मिलके, मैम ने आते ही बोला पिंकी फैमिली ब्लॉग करके तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप मैम के बेटे और आप मैम की दोस्त? हमारी देवरानी। देवरानी, अच्छा आपकी जेठानी, अच्छा तो सारे ब्लॉग्स उन्होंने मेरे देखे हुए, मेरे को बता रहे थे ये वो सब, नौनी को भी जानती हूँ। तो चले दागर को भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मैम ने शॉपिंग करी है, तो कैसा लगा आपको सामान? अच्छा लगा, बढ़िया। तो खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होगा, मैम कमेंट डाल देंगे, फिर दोबारा से आ जाएंगे वापस। चलिए थैंक यू। नाम नहीं बताया आपने अपना? मंदा लोखंडे, यार मराठी। अच्छा तो सर भी आपके साथ में ही है? ये मेरे देवर है। अच्छा चलिए नमस्कार। अच्छा जी चलिए, अच्छा लगा आप सबसे मिलके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम का जो हाल है कुछ इस तरह से है, देखिए कोहरा ही कोहरा आ गया चारों तरफ से। तो मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ शाम के टाइम पे जो होता ना भयंकर कोहरा यहाँ पे आया रहता है, और सुबह को जो है मौसम बड़ा अच्छा, बड़ी मस्त धूप लगी जाती है, दिन भर खूब अच्छा सा मौसम होता है, और शाम के समय में देखिए कोहरा बिल्कुल खतरनाक कोहरा आया हुआ इधर को। तो भीड़ भाड़ तो कुछ ऐसी है, कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं है। मैं कोहरा दिखाने के लिए पता दुकान से इस साइड को आई है, तो गुरुद्वारा साइड के पीछे से भी खूब सारा कोहरा दिख रहा है, और उस साइड से भी। तो ये देखो यहाँ पे बाइक में सामान ले जाके कौन से धक्का मारते हुए जा रहा है। तो ये देखिए तो मार्केट का कुछ हाल इस तरह का है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसानी छाई हुई है बिल्कुल से। तो चले आज का जो ब्लॉग है अभी 5 बजे हम इसको पूर्ण विराम दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम कल को मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो कैसा आप लोगों को मेरा ब्लॉग लगा है तो प्लीज़ बताइएगा। तो चले कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।